बहुत बड़े बड़े नमक हराम देखे पर इस नसरुद्दीन शाह जैसा कहीं नहीं देखा। लोग तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, परंतु ये जिस घड़े का पानी पीता है उसी में मूत कर चला जाता है। इतना तो ये बेशरम गंदे किस्म का आदमी है, इसी देश में रहता है, इसी देश का खाता है, अब तक इसी देश का कमाता भी है, पर नमक हरामियां भी इसे इसी देश में करनी है। भाई साहब, बॉलीवुड के गंदे अंडों में से और एक सबसे सड़ा हुआ, सबसे ज्यादा बदबूदार अंडा जो है वो है नसरुद्दीन शाह नाम का। इसके मुंह से मैंने आज तक एक भी ढंग की बात नहीं सुनी। हमेशा से ही इसने बकवास बाजियों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी है और कुछ ऐसा ही इनके द्वारा फिर एक बार कर दिया गया है। नसरुद्दीन शाह बोले तो इस गटरिया छाप के द्वारा अभी अभी ये बयान दिया गया है कि अगर हम भारतवासियों को मुगलों से इतनी ज्यादा समस्या है तो गिरा दो ताजमहल और गिरा दो लाल किला। क्यों बे हैं, क्यों गिराएं? ये ताजमहल और ये लाल किला तेरे बाप मुगलों का है क्या? क्या तेरे मुगल बाप अपने साथ गधों पर लाद कर सोने की अशर्फियां लेकर आए थे क्या? या तेरे मुगलों के गधे गूं की जगह सोने की अशर्फियां हगा करते थे? हैं? अबे साले, बिल्डिंग इमारत उसी की होती है जिसका पैसा लगा होता उसे बनाने में। ताजमहल और लाल किले के पीछे तेरे मुगल बापों का धन नहीं बल्कि भारत का पैसा लगा था, भारत के लोगों की खून पसीने की कमाई लगी थी। और हाँ, अगर ये तेरे बाप इतने ही बड़े आर्किटेक्ट थे तो क्यों नहीं इन्होंने अपने ही सड़े हुए देश में ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें बनवा डाली? सच बोल दे बुढ़े, अब तो सच बक दे। ये मुगल मुंह उठाकर गधों पर बैठकर भारत आए थे, सिरे के फकीर थे ये सारे के सारे। पैसा, बुद्धि, अकल, आर्किटेक्ट, इन्हें ये सारा बहुमूल्य धन भारत से ही मिला था। अब अगर आप सोचते होंगे कि बस इतनी सी बकवास इनके द्वारा करी गई है तो आप सारे के सारे गलत हो। बल्कि ये समय समय पर अपने गटर का शटर यूं ही खोलते रहते हैं और गंद बकने का सिलसिला इनका ऐसे ही चलता जाता है। मैं तो इस बुड्ढे को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुझे दिख ही रहा है कि भारत के लोग तेरे बापों से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, मुगलों का नाम सुनकर भारतवासियों को इतनी ज्यादा चिढ़ मच जाती है जिससे तेरा मन घबरा जाता है, तो तू भी एक काम कर, तू भी एक गधा ले, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और मुंह उठाकर उज्बेकिस्तान चला जा। सच बता रहा हूँ, तुझे भारत का एक भी नागरिक यहाँ इस देश में दोबारा रुकने को नहीं बोलेगा। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़िए ना, जुड़ करके हमारी आवाज और हमारी इस मुहिम को और बुलंद करिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।